नमस्कार, बॉलीवुड गोल्ड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आज इस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं, वो 40 साल पहले आई थी, लेकिन आज भी उस फिल्म के गीत पुराने नहीं पड़े हैं। 1982 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म के गीत सरहद पार रूस चीन तक जा पहुंचे थे। आज भी वहां उन गीतों को याद किया जाता है। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती को एक नई पहचान मिली थी। जी हाँ, फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। 80 के दशक में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म ने दर्शकों को मिथुन चक्रवर्ती का दीवाना बना दिया था। फिल्म के निर्देशक थे बी सुभाष और संगीत निर्देशक थे पप्पी लहरी। और जैसा कि फिल्म का नाम ही है, उसने बता दिया कि एक नए तरह का डांस दर्शकों को देखने को मिल रहा है। ये फिल्म एक ट्रेंड सेटर साबित हुई। डिस्को डांसर का जो पहला, जब हम पहली बार मिथुन दा से मिले, तो वो क्या कहते हैं, वो बप्पी दा के घर पे थे, तभी मुझे बुलाया कि विजय आके मिल लो। तो उन्हें कहा, तो जब मिला उनसे पहली बार, तो कहने, विजय मैंने सुना कि गाना तुम गा रहे हो। देखो ऐसा है कि पूरा कर दें, यहाँ तक नस जो है ऐसे खुल जाए जब गाए, ऐसे लगे कि हम तो हमें ऐसे गाना मांग रहे। तो मैंने कहा, सर मिथुन दा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कहने, ठीक है, दैट्स फाइन। जब डिस्को डांसर मैंने सोचा बनाने के लिए, तो एक नया कंसेप्ट था। आज तक एक तो इंग्लिश टाइटल डिस्को डांसर, तो ये सब ऐसा कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो पहला हमारी बप्पी जी हमारे डायरेक्टर थे, और अनजान साहब जो थे वो लिरिसिस्ट थे, मेरे साथ एक फिल्म कर रहे थे अपना तकदीर का बादशाह। तो मैंने सोचा यही टीम को हम लोग लेके आगे चलते हैं। तो एक दिन सिटिंग हुई, अनजान साहब को ट्यून दी गई, दूसरे दिन फिर सिटिंग हुई, ट्यून दी गई, फिर तीसरे दिन जब वो अनजान साहब बेचारे थोड़ा उदास से हो गए और मुझे बोले, नीचे हम बप्पी लहरी जी के घर के नीचे आके बोले, सुभाष जी मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, डिस्को डांसर में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, रात को सोचता हूँ क्या करूँ। आई सेड, नहीं, आप नहीं लिख सकते तो कोई भी नहीं लिख सकता। ये डैडी को, डैडी का एक रंग था, डैडी कल्याण जी, आनंद जी के यहाँ, लक्ष्मी जी के यहाँ, सब यहाँ एक अलग तरह के गाने लिखते थे। बप्पी लहरी एक ट्रेंड लेके आए, इसे उनको डिस्को किंग बोला भी जाता था। मुझे याद है सुभाष जी अपने सिटिंग रूम पे ले गए डैडी को, उन्होंने एक इंग्लिश की बुक निकाली और उन्होंने बोला कि अनजान जी, इसमें मैं एक पोएट्री मैंने पढ़ी है, उस पोएट्री में एक मुझे एक थॉट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस पिक्चर में हीरो डांसर है। तो इंग्लिश में उसका मतलब था कि भाई, माँ मेरी कहती है तब से मैं गाता हूँ, जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तो तब से थिरकते हैं जब चलना आता नहीं था। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। I am a
मैं डिस्को डांसर मिथुन को क्यों देखा था, मैं एक फिल्म कर रहा था तकदीर का बादशाह, यू नो, उसमें एक क्रिकेट सॉन्ग था, यू नो, क्रिकेट को जैसे सॉन्ग की फॉर्म में किया था, तो वो जो टीम थी दो, तो जब रन बनाना है तो इधर हीरो है, इधर हीरोइन रंजीता थी, इधर मिथुन था, तो मुझे लगा कि गाना है तो रन के भाग के जाके क्यों मतलब नहीं है, आई टोल्ड मिथुन एक काम करो उसको डांस करते करते जाओ, उसको भी डांस करते करते दो राउंड में एंड ही डांस्ड वेरी वेल। जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूं मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। देयर वाज नो कोरियोग्राफर, कोई नहीं था वहां पर, मैंने इसको बोला कि म्यूजिक पे ऐसे ऐसे, तो उसने खुद ही नो कंपोज करके डांस किया, तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा डांसर है, तो तब मुझे ख्याल आया कि इसके साथ कोई डिस्को डांसर बन सकती है। पार्वती खान ने ये गाना गाया जिमी 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 आजा आजा, इट वॉज, तो जब रिकॉर्ड हो गया, हो रहा था गाना रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे लगा कि ये शायद यू आर नॉट गेटिंग साउंड जो थी उसकी क्लाइमैक्स की जो गाने की साउंड होनी चाहिए, गाया तो मैं भक्ति जी को, भक्ति को फील नहीं आ रहा वो कि क्लाइमैक्स का ये गाना है जिसमें यू नो ऑडियंस शुड यू नो फील आजा जिमी आजा, यू नो तो फील आना चाहिए। तो वो इमीडिएटली जब बैठे जाके उन्होंने करके तो डी टी तो डबल डबल वॉइस किया और ये किया और गाना ये गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार। तो हुआ क्या, गाना रेडी था, किशोर दा आने वाले थे, गाना वो किशोर दा का आने वाले थे, फोर्थ फ्लोर पे थी वो स्टूडियो था, लिफ्ट खराब हो गई थी, तो किशोर दा ने बोला मैं आज ऊपर नहीं जा सकता, तो फिर मैं उनको कुछ हार्ट का थोड़ा सा विचारों को लेटली था, थी टेंशन थी, कल जब लिफ्ट शुरू होगी तो मैं आके ये डब कर दूँ। ओके, तो चले आए वापस, तो ये गाना तो मैं बोला भपी जी आप गाओ, आप बेस्ट गाओगे, है ना, तो भपी जी ने वो गाना गाया याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम कहाँ, याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं रात को फोन किया भपी जी, और नेक्स्ट डे हमारी किशोरदा की डेट थी, भपी जी गाना आपने इतना अच्छा गाया, मुझे लगता है कि अन्याय होगा इस गाने के साथ कि इसको डब किया जाए, और किशोरदा से डब करा लिया तो भी हम निकाल नहीं सकेंगे, बहुत बुरी बात हो तो नो इट विल बी वेरी किशोर कुमार, तो मैं चाहता हूं आप ये यही गाना रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूजिक हिट पहले, इनिशियली म्यूजिक फिल्म को हिट करता है, आपके गाने हिट हैं तो आपको इनिशियल मिल जाता है, बट अल्टीमेटली फिल्म जो है वो म्यूजिक को हिट करती है। किसी का दिल नचे नचे, किसी की जान नचे नचे, सारे हंसी नचे नचे, सारे जवान नचे नचे, आवा आवा तुमसे है तुमसे प्यार, तुमसे है तुमसे प्यार।
बॉलीवुड गोल्ड में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा नशीली धुनों का, थिरकते गीतों का और उन फिल्मों का जिन्हें हम नहीं भूल पाते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।